एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 17 हम करने जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं करना। इसमें देखें ये 3 की पावर 2x-1 है, तो इसे हम लिखेंगे 3 की पावर 2x और 3 की पावर -1, यानी पावर्स हमने अलहदा अलहदा लिख लिए हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं -12 3 की पावर x+81=0। तो अब जो है ना इसे हम 3 की पावर x^2 भी लिख सकते हैं, x^2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा 3 की पावर 2x ही बनाएगा। अब 3 की पावर -1 है तो इसे प्लस बनाने के लिए इसे हम नीचे ले आएंगे, तो 3 की पावर +1 हो जाएगी, तो +1 हम नहीं लिखते हैं। माइनस के 12 3 की पावर x+81=0। अब हम क्या करते हैं, हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 के पावर x^2। अब 3 से जो मल्टीप्लाई किया ये 3 उस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस के 12 मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएंगे, और 3 की पावर x+ अब 81 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 81 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 और 3 × 8 = 24, तो 243 = 0। अब इसमें हम पुट करते हैं y को 3^x के इक्वल। अब जहाँ पे 3 की पावर x है वहाँ y पुट करेंगे, तो y^2-36y+243=0। अब ये y को हम मल्टीप्लाई करेंगे 243 से, तो ये प्लस की 243y^2। हमने इसके बनाने हैं पेयर्स, पेयर्स इस तरह बनाने हैं कि उन पेयर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस के 243y^2 आना चाहिए, और अगर हम उन्हें ऐड करें हमारे पास -36y आना चाहिए, -36y। तो चूंकि 243 के साथ प्लस साइन है तो जो हम पेयर्स बनाएंगे उनके साइन सेम होने चाहिए, या दोनों प्लस में या दोनों माइनस में। तो हम देखते हैं 36y के साथ चूंकि माइनस है तो हमने जो पेयर्स बनाने हैं उनके साथ भी दोनों के साथ माइनस का साइन ही आएगा। तो वो पेयर्स क्या हैं, -27y और -9y। अब इसमें देखें माइनस माइनस प्लस, और 27 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 243 आएगा। इसी तरह y y से मल्टीप्लाई करके y^2, तो हम लिखते हैं y^2, जहाँ पे -36y वहाँ पे हमने पेयर्स लिखने हैं, -27y - 9y और +243=0। अब इन दोनों में y कॉमन है और इन दोनों में 9 कॉमन लेंगे, तो हम इसे फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखें y कॉमन लेंगे तो हमारे पास y-27 रह जाएंगे। इसी तरह इसमें से हम माइनस के 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास y-27 ही रह जाएंगे = 0। तो y-27 इसे हम 1 टाइम लिख लेते हैं, और y-9=0। इसमें y-27 भी 0 के इक्वल है और y-9 भी 0 के इक्वल, तो y=27+k और y=+k9। तो हम y को पुट किया हुआ 3^x के इक्वल, तो दोबारा y की जगह पे 3 की पावर x पुट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इधर भी =9। तो 3 की पावर x, अब ये जो 27 है इसे हम u में देख सकते हैं 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3=27 ही होता है। तो इसी तरह 3 की पावर x, तो ये 3 की पावर 2 लिख लेते हैं। अब जब 3 3 के इक्वल है तो x भी 3 के इक्वल होगा, तो x =
3। अब ये 3 3 के इक्वल है, इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होंगे, x इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 का, एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन सेट है हमारे पास।